हेलो एवरीवन, सभी को सुप्रभात एंड यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एनर्जी। सो आज मैं एक बुक पे बात करने वाली हूँ। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। सो कितने लोगों का ऐसा वियर्ड लगा ये नाम? यस, थोड़ा वियर्ड है, राइट? ओके, थैंक यू। सो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि रोज आपको एक बड़ा सा मेंढक खाना होगा? कुछ लोगों तो रिएक्शन ही, यस, ओके, थैंक यू। सो हियर जो मेंढक खाना है तो उससे ज्यादा कुछ बुरा आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता। यस, सो ओके, सो हियर द ऑथर ब्रायन ट्रेसी, ही कोरिलेट्स अ बड़ा सा मेंढक विथ द इम्पॉर्टेंट वर्क। सो जो मेंढक है उसे इम्पॉर्टेंट वर्क के साथ वो रिलेट कर रहे हैं। सो लाइक जब तक जो बड़ा सा मेंढक है उसके साथ बड़ा सा वर्क है, तो ऑथर क्या कहते हैं कि हमें जो बड़े वर्क है उनको मॉर्निंग में कंप्लीट करना चाहिए। ओके, सो मॉर्निंग में कंप्लीट करना चाहिए, तो इसके रीजंस बताए हैं हमें ऑथर ने। सो रीजंस है कि मॉर्निंग में हमारा विल पावर हाई होता है। सो सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हमारा जो लाइक विल पावर होता है और एनर्जी एकदम फ्रेश होती है, राइट? सो यस, थैंक यू। सो एनर्जी हाई होती है, सो ऑथर कहते हैं कि जब मॉर्निंग के टाइम पे हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, सो उस टाइम पे हमें हमारी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो करने चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग ही सेड इज, अगर आप अपने सब इम्पोर्टेंट काम सुबह कंप्लीट कर दो, लाइक जो भी आपके 1-3 इम्पोर्टेंट काम है आपके लाइफ में, सो वो आप सुबह को कंप्लीट कर दो, तो आपका पूरा जो दिन है बाकी का तो वो आपका स्ट्रेस फ्री जाएगा, राइट? यस दोस्तों, यस, थैंक यू फॉर एनर्जी। सो फिर स्ट्रेस फ्री जाएगा और फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड देन जब आप सुबह सुबह अपना काम कंप्लीट कर करोगे तो आपको एक नेचुरल हाई मिलेगा। इम्पोर्टेंट काम सब खत्म कर दिया है मॉर्निंग में, सो दैट विल बी अ बूस्टिंग थिंग फॉर यू फॉर नेक्स्ट डे। यस, प्लीज शो अप योर हैंड्स। ओके, थैंक यू। सो वो हमें एंडोर्फिन रिलीज करेगा। एंडोर्फिन इज अ हैप्पी हार्मोन, लाइक जब भी हमें कुछ अच्छा करते हैं एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज होगा। सो then it will give a natural high to a next day. So now author has given some principles for agar hum is cheez ko ek positive addiction banayenge, then it will be a good thing for us, right? Agreed? अगर हम सुबह सुबह उठ के सब अपने इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कर देंगे, इसको हम एक एडिक्शन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट? हमें लाइक कुछ दोस्त को, कुछ स्टूडेंट्स हमारे इधर बोर्ड के हैं, सो अगर उनको, उनके लिए जो हार्ड सब्जेक्ट होता है लाइक सबके लिए इधर मैथ्स ही होगा, आई गेस। यस, ओके, मेनी कैन रिलेट। सो मैथ्स होगा तो हम सुबह सुबह अपने मैथ्स प्रैक्टिस कंप्लीट करके हमें बहुत अच्छा लगेगा, राइट? कि हम इतने सारे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, सो दैट विल बी अ बूस्टिंग थिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड दे विल बी डूइंग गुड इन फर्दर डे, राइट? ओके, थैंक यू। सो देन अभी नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, तो ऑथर ने हमें प्रिंसिपल्स बताया है कुछ। ऑथर ने तीन प्रिंसिपल्स बताए हैं हमें। पहला है सेटिंग द टेबल, देन सेकेंड है, सेकेंड है प्लानिंग एवरी डे इन एडवांस, एंड थर्ड है ABCDE टेक्निक। सो पहली टेक्निक है विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट। यस, सो पहली टेक्निक के सात प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं हमें। ओके,
सो यस, लेट मी शेयर माई स्क्रीन. यस, पहले टेक्निक के हमें 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं ऑथर ने. सो यस, पहला है थिंक ऑन पेपर. तो सिर्फ 3% लोग जो है ना वो थिंक ऑन पेपर करते हैं, क्योंकि उनको सी अवर ब्रेन इज वेरी गुड इन थिंकिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज. ओके, लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी ओवर हियर. ओके, सभी लोग अपने आंखें बंद कर लो. यस, प्लीज क्लोज योर आईज. ओके, सो अब मैं आपको बोलूं कि आईफिल टॉवर पर एक डायनासोर आया है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? यस, देन आई कंप्लीट द सेंटेंस. आईफिल टॉवर पे बुर्ज खलीफा का एक टॉवर है. ओके, सो दिस वॉज अ रियल टाइम एक्टिविटी, आप आंखें खोल सकते हो. आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपका जो ब्रेन है वो नए नए क्रिएटिविटी आइडिया सोच सकता है, पर यू नो द रिकॉल मतलब स्टोरेज इतना नहीं कर सकता. दैट डिपेंड्स ऑन योर रिकॉल स्पीड, दैट अगेन कम्स इन साइकोलॉजी. एंड यस, आपका जितना रिकॉल होगा उतना ही आप स्टोर कर सकते हैं. सो दैट कम्स ऑन थिंक ऑन पेपर. सो आप अपने जो आइडियाज हैं नए नए वो अपने पिंक पेपर पर लिखना चाहिए. एंड इफ मे बी पेपर पेपर की आदत नहीं है आपको, आप डिजिटली मतलब मोबाइल पे उस पे नोट डाउन कर सकते हैं. सो यस, नाउ विल कम टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. वो एक पर्टिकुलर नेस बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, प्लीज शो अप योर हैंड्स. ओके, सो एंड देन लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, मेक अ लिस्ट. तो आप सुबह सुबह वन मिनट. हाँ, अगर आपके पास एक लिस्ट तैयार है कि आज सुबह आपको ये करना है, तो आप झट से उठ के इसे कर दोगे, राइट? लेकिन आपके पास अगर लिस्ट तैयार नहीं है तो आपका जो टाइम है तो वो बाकी चीजों में ज्यादा वेस्ट होगा, राइट? सो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपको ये करना है एंड मैं आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करके दूं, मैं आपको बोल दूं कि आपको ये रेसिपी प्रिपेयर करनी है. हाँ, सो रेसिपी प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको सब कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह लाके रखे हैं, एंड सब सिर्फ आपको ये परफॉर्म करना है. वुड दैट बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू. सो यस, दैट इज द ऑथर्स थर्ड प्रिंसिपल. देन ही इज टेलिंग अबाउट मेकिंग डेडलाइंस. सो डेडलाइंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर डेडलाइंस नहीं होंगे तो अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. एंड इफ डेडलाइंस है तो शायद हम उसके डेडलाइन के पहले ही कंप्लीट कर दे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इट लाइक्स लाइक व्हाट वी कैन से इज वो ज्यादा विचार करता है जो हमें इम्पोर्टेंट काम करना है. तो वो क्या करता है कि बहुत विचार करता है चीजों का. एंड देन वील कंप्लीट द टास्क बिफोर टाइम. सो डेडलाइंस बनाने हैं, देन ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक अ प्लान. लिस्ट बनानी है और एक प्लान बनाना है कि ये करते. 3-4 प्लान आप रेडी कर सकते हो. देन लिस्ट बना के एक प्लान बनाना है. देन टेक एक्शन. एक्शन रोज आप ऐसे एक्शन लेने हैं कि रोज आप अपने गोल के लिए एक चीज तो करोगे ही. यू हैव टू रिजॉल्व आवर सेल्फ एंड देन द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज एंजॉय. सो अगर आप एंजॉय नहीं करोगे उस चीज को,
देन वी विल प्रोबेबली एंड अप नॉट डूइंग दैट. यस ओके थैंक यू. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड ये उसके 7 पार्ट थे सेटिंग द टेबल के. ओके नाउ नाउ कम्स प्लान एवरीडे इन एडवांस. सो ऑथर ने इसके 6 पीस बताए हैं. 6 पीस क्या है? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. अगर आप पहले ही कुछ चीजों की प्लानिंग कर दो तो फिर आपका पुअर परफॉर्मेंस है वो नहीं होगा, राइट? तो फिर ऑथर ने हमें लाइक ही हैज गिवन सम एक्शन लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट एंड डेली लिस्ट. सो दिस इज हिज एक्शन प्लान गिवन. सो एक्शन प्लान में उन्होंने बताया है, एक्शन प्लान में उन्होंने बताया है कि लाइक जो 4 लिस्ट बनानी है हमें. 4 लिस्ट. यस श्योर. लाइक दिस 4. ओके थैंक यू. सो 4 लिस्ट बनानी है. सो पहली लिस्ट है मास्टर लिस्ट. मास्टर लिस्ट है कि जो बड़े काम आप करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल, लाइक अपने गोल की भाषा में कह सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल, योर 5 ईयरली गोल एंड मे बी 10 ईयरली गोल. सो मे बी आप में से कुछ लोग कुछ सालों बाद कंपनी ओन करेंगे. माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू. सो कंपनी ओन करेंगे या फिर कोई मे बी सम विल बी अ गुड पब्लिक स्पीकर ओवर हियर, कुछ और कोई और कोई और. सो यस माय ऑल द बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू. सो देन कम्स द मंथली लिस्ट. मंथली लिस्ट हमें अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको चंक्स में डिवाइड करना है. मतलब अगर से 4 मंथ्स के बाद मेरे बोर्ड एग्जाम्स है और मे बी हियर मेनी देर आर मेनी बोर्ड स्टूडेंट्स ओवर हियर, लाइक वी हैव अथर्व, वी हैव निशा, देन यस हु एल्स इज इन बोर्ड्स राइट नाउ, मतलब 10th या 12th में है? यू कैन शो अप योर हैंड्स. ओके सो जो अगर आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड में जाने वाले हो सो देन यू कैन मेक अ प्लान कि अगर मास्टर प्लान है कि आपको इतने इतने परसेंटेज अचीव करने हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल, मतलब लाइक आफ्टर 8 और 9 मंथ्स. एंड देन कम्स द मंथली गोल कि आपको क्वार्टर, आपका क्वार्टर प्लान क्या होगा उसके लिए, कि अगर लाइक इफ अगर आपको इतने इतने परसेंटेज अचीव करने हैं तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू फिनिश योर रिविजन. लाइक रिविजन है आपका तो एटलीस्ट वो अगर फेब में एग्जाम है तो एटलीस्ट वो नवंबर तक खत्म होना चाहिए, नवंबर टू अक्टूबर तक. एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर पेपर्स. सो दैट्स योर मंथली प्लानिंग कि मेरा भी यही है, नवंबर तक मुझे मेरे सारे लेसन्स रिवाइज करने हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई पेपर्स, पेपर सॉल्विंग. And then this is the monthly plan. So I hope this is clear. Then comes the weekly plan. तो अगर मुझे नवंबर तक कंप्लीट करने हैं सारे रिविजन तो मुझे क्या करना होगा वीकली में? So at least I have to complete 5 lessons of each subject. So that comes in weekly plan. Then comes the daily plan. Weekly plans को daily plan में chunk करना है. सो वीकली अगर मुझे 5 लेसन कंप्लीट करने हैं सो एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट 1 लेसन और मे बी 1/2 लेसन पर डे. ओके थैंक यू. आई कैन नॉट सी अप योर हैंड्स, प्लीज शो अप योर हैंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी. ओके सो दैट्स द what we can say planning the part, action ka part. Then one minute then comes ABCDE technique. This is a very effective technique given by author. I'll share the screen. Yes, ABCDE technique. So
सो इसमें हमें क्या करना है, अपनी जो लिस्ट बनानी है, अपने डेली की लिस्ट बनाई आपने, सो उसमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है. अगर आपने सपोज कल रात को आज की लिस्ट बना दी, सो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना एक लाइक यू कैन डेलीगेट ईच अल्फाबेट टू सम इम्पोर्ट. अगर बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है आपका, लाइक किसी को प्रेजेंटेशन देना है इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस है, सो दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, वो जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आप ए मार्क कर सकते हो. एंड देन कम्स ओके ए, उसको जो इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो और इसे ए मार्क कर सकते हो आपके लिस्ट में. ओके, देन कम्स बी. तो बी को मॉडरेट इम्पोर्टेंस, लाइक उससे भी कम इम्पोर्टेंट है, उस प्रेजेंटेशन से कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है. अगर नहीं करेंगे तो समथिंग कैन बी रॉन्ग. ओके, देन कम्स सी. सी पार्ट, सी आपको किस चीज को डेलीगेट करना है, गुड टू डू बट नो कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं आने वाले आपको. अभी इस टाइम पे आपको उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले. सो सी कम्स फॉर गुड टू डू बट नो कॉन्सिक्वेंसेस. देन बी कम्स फॉर कैन बी गिवन टू अदर्स, कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स, मतलब आप अगर उस काम को नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उसे कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम एंड फॉर एग्जाम्पल बॉस हैज गिवन यू सम एक्स वाई जेड वर्क, एंड इफ यू डोंट डू, अदर्स कैन डू दैट बिकॉज यू आर इन अ टीम वर्क, सो इट कैन बी डन बाय अदर्स. देन कम्स डी. सो डी जो है, डी हो गया अपना. सो डी जो है, ई जो है ना अपना, तो वो उसे हम नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा हमारे लाइफ में, कुछ बदलेगा नहीं हमारे लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रोलिंग एनी सोशल मीडिया. सो अगर नहीं करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा हमारे लाइफ में, और अगर करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं. सो इट्स लाइक एलिमिनेटेड वर्क. अगर करेंगे नहीं करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो यस, दिस वॉज द बुक समरी. दिस वॉज द बुक समरी बाय ऑथर ब्रायन ट्रेसी. इसके ऑथर का नाम है ब्रायन ट्रेसी. ही इज अ सक्सेसफुल सीईओ एंड कंसल्टेंट ऑफ मेनी कंपनीज एंड इज अ पब्लिक स्पीकर इवन. सो ये उनकी बुक थी, ईट द फ्रॉग. आई होप यू ऑल लाइक इट. ओके, थैंक यू सो मच. If I have mistake anything or I have missed out anything, please forgive me for the same. Thank you so much. नहीं, मुझे नहीं. Thank you so much, Kshitija ma'am. Let's have a big round of applause for Kshitija ma'am. Really, it was a wonderful session. जो बड़े से बड़ा पेंडिंग काम है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, ये भी मैम ने बता दिया हमें. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच निशा. यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्दर.